हेलो गाइस, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड के एक न्यू अपकमिंग बाइक के बारे में। रॉयल इनफील्ड ने स्क्रैम नाम से अपनी एक न्यू बाइक का नाम ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है। इस बाइक से जुड़े कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जैसे ये कितने सीसी की बाइक होने वाली है, क्या क्या फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, प्राइस क्या होगा और ये कब तक इंडिया में लॉन्च होते हुए दिख जाएगी। तो अगर आपको रॉयल इनफील्ड के न्यू अपकमिंग बाइक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रॉयल इनफील्ड अभी काफ़ी सारे बाइक्स पे काम कर रही है। आप मान कर चलिए कि दो दर्जन से ज़्यादा बाइक्स पे अभी रॉयल इनफील्ड काम कर रही है, जिसमें 350 cc से लेकर 650 cc की बाइक शामिल है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस ट्रेडमार्क सर्टिफिकेशन में रॉयल इनफील्ड स्क्रैम नाम से बाइक को लाने वाली है। एज पर द डिटेल्स अवेलेबल, रॉयल इनफील्ड इंडिया में स्क्लेमर के दो न्यू मॉडल को लॉन्च करने वाली है, जो स्क्लेमर 350 cc और स्क्लेमर 650 cc की बाइक होने वाली है। मैकेनिकली स्क्लेमर 350 में आपको मिटोर वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो 349 cc का 4-स्ट्रोक सिंगल अंडर एयर कूल BS6 कंप्लायंट इंजन रहने वाला है, जिसमें आपको 20.2 bhp की पावर 6100 rpm पे मिल जाता है और 4000 rpm पे आपको 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। स्क्लेमर 350 में आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स देखने को भी मिलने वाला है। और वहीं स्क्लेमर 650 की बात करें तो इसमें आपको इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT650 मॉडल वाले बाइक का इंजन देखने को मिलेगा। इसमें आपको 648 cc का पैरेलल ट्विन FI इंजन के साथ ये बाइक लॉन्च होगी, जिसमें आपको 46.8 hp की पावर 7150 rpm पे मिल जाएगा और 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको 5250 rpm पर मिल जाएगा। और इसमें आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स भी देखने को मिलेगा और साथ ही इसमें स्लिपर एंड असिस्ट क्लच भी देखने को मिलेगा। और एक बात, इन दोनों बाइकों के मॉडल जो है स्क्लेमर के 350 cc और 650 cc में, अगर इन दोनों के पावर रेशियो को देखें तो स्क्लेमर के हिसाब से इन दोनों का पावर रेशियो भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। रॉयल इनफील्ड स्क्लेमर के दोनों मॉडल 350 cc और 650 cc की बात करें तो रॉयल इनफील्ड के पास पहले से इनके इंजन अवेलेबल है, क्योंकि उनके पास मिट्योर 350 cc और कॉन्टिनेंटल GT650 cc के इंजन अवेलेबल है। इनको सिर्फ काम जो करना है वो बॉडी में ही काम करना है। इंजन इनका पहले से अवेलेबल है, इनको सिर्फ प्लेटफॉर्म बेस और चेसिस को चेंज करके इसको स्क्लेमर का लुक दे दिया जाएगा। इन दोनों बाइकों में ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होगा, हल्का फर्का माइनर चेंज हो सकते हैं। सिर्फ एक ये छोटा cc का हो जाएगा और दूसरा बड़ा cc का हो जाएगा। बाकी इन दोनों का जो लुक और डिज़ाइन रहेगा वो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बाकी जो है सारा कुछ इसका सेम होने वाला है। स्क्रैम के दोनों मॉडल में आपको ऑफरोड टायर, स्पोक व्हील, बेटर लो एंड ग्रंट, लंबा स्क्लेमर स्टाइल में आपको हैंडल बार्स देखने को मिलेगा और जो फेंडर है वो भी थोड़ा बड़ा होने वाला है। बियर काउल फुटपैक्स भी आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। तो ये सारे फीचर के साथ ये दोनों बाइक लेस होगी। और वही प्राइसिंग की बात करें तो स्क्रैम 650 का जो प्राइस है वो 20-25 हज़ार महंगी होने वाली कॉन्टिनेंटल GT650 से और इंटरसेप्टर 650 से। जो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 276,000 एक्स शोरूम हो सकता है। और वहीं स्क्लेमर 350 की बात करें तो ये मिट्योर 350 से 10-15 हज़ार कॉस्टली हो सकती है। इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 185,000 तक हो सकता है। रॉयल इनफील्ड के स्क्रैम मॉडल की लॉन्च डेट की बात करें तो कंपनी इसको लॉन्च करने में अभी टाइम लेने वाली है, क्योंकि अभी रॉयल इनफील्ड के पास काफ़ी सारे बाइक पेंडिंग में है जिसकी टेस्टिंग स्टार्ट है, बट इसको अभी तक लॉन्च नहीं किया गया। कंपनी पहले इन बाइक्स को लॉन्च करेगी, उसके बाद ये स्क्रैमर के मॉडल को लॉन्च करने वाली है। रॉयल इनफील्ड स्क्रैमर 350 cc और 650 cc नेक्स्ट ईयर 2022 के मिड तक लॉन्च होगी, क्योंकि अभी तक तो ना इसकी टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और ना ही इस पर कोई काम स्टार्ट हुआ है। बट उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि कंपनी बहुत जल्द इन सारे बाइकों को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर देगी। और कंपनी ने ऑफिशियल भी ये बताया है कि हम हर एक 3-4 मंथ पे अपनी एक न्यू बाइक को लॉन्च करेंगे। तो अगर आप रॉयल इनफील्ड के फ़ैन हैं और आप रॉयल इनफील्ड के न्यू बाइक को लेना चाहते हैं तो आप अभी कुछ टाइम रुक जाइए, कुछ महीने अभी रुक जाइए, क्योंकि रॉयल इनफील्ड एक से एक बढ़कर दमदार बाइक लेके आने वाली है, तो आप वो बाइक को ले सकते हैं। आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं, रॉयल इनफील्ड आने वाले टाइम में 20 न्यू बाइक को लेकर आने वाली है। 20 न्यू अपकमिंग बाइक रॉयल इनफील्ड लेके आने वाली इंडियन मार्केट में। तो अगर आपको वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। या अगर आपको यूट्यूब से पहले बाइक रिलेटेड न्यूज़ या अपडेट को पाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्क्रैमर मॉडल आपको कैसा लग रहा है, और इसके जो ऑफिशियल अभी वीडियोज़ आएंगे वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप रॉयल इनफील्ड के न्यू बाइक को लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।